हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर एट ये है अपना पोलिनोमियल्स ओके और इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये यहां पे जानेंगे कि पोलिनोमियल्स हम लोग कहेंगे किसको तो यहाँ पर बड़ा अच्छा डेफिनेशन अपना दिया हुआ है आप यहाँ से देख सकते हैं कहता है अन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल यानी कि वैसा एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं जिसमें जो वेरिएबल होता है उसका जो एक्सपोनेंट है एक्सपोनेंट कहने का मतलब हो रहा है पावर ठीक है तो जो पावर होगा वो हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए इंटीजर होगा लेकिन वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए बल्कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होगा पावर तभी वो हमारा क्या कहलाएगा पॉलिनोमियल्स कहलाता है आप यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स हम लोगों को दिए हुए यहाँ पे आप देखिए एक्स हमारा क्या है ना एक्स हमारा वेरिएबल है और यहाँ पे पावर कितना है टू और यहाँ पे पावर है वन ठीक है एक्स हमारा ये दोनों ही टर्म में है तो यहाँ पे जो पावर है ये क्या पॉजिटिव इंटीजर है इसलिए ये हमारा इंटीजर हो जाएगा लेकिन सेकेंड वाला इंटीजर नहीं होगा कारण चूँकि यहाँ पे पावर जो वो है वो नेगेटिव इंटीजर है थर्ड में देखिए ये भी हमारा इंटीजर हो जाएगा चूँकि यहाँ जो भी वेरिएबल्स हैं यहाँ पर टू वेरिएबल्स हैं एक एक्स है और एक वाई है दोनों का जो पावर है हमारा वह क्या है ना पॉजिटिव इंटेजर्स है इसलिए हमारा ये पोलिनोमियल हो जाएगा दूसरा यहाँ पे देखिए हमारा जो नेक्स्ट है फोर्थ नंबर ये y जो है ना इस पर ये रूट के अंडर है रूट के अंडर कोई भी वेरिएबल है तो उसका पावर क्या होता है हाफ होता है पावर वन अपॉन टू हुआ करता है तो ये आपका इंटीजर नहीं हुआ बल्कि फ्रैक्शन हो गया इसलिए ये आपका आप पोलिनोमियल नहीं होगा ओके चलिए मैं थोड़ा पेपर ले, ले लेता हूँ और आपको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ तो हम लोग बात कर रहे थे एग्जांपल्स की और यहाँ पे हमारा जो फोर्थ नंबर है ये पोलिनोमियल नहीं है तो ये क्यों नहीं है इसका हम बात करते हैं ये देखिए ये जो टर्म है हमारा मिडिल टर्म यहाँ पे y हमारा रूट के अंडर है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं y टू दावर हाफ ठीक है कोई भी नंबर अगर रूट अंडर होता है तो उसका पावर कितना होता है वन अपॉन टू होता है तो आप देखिए ये आपका क्या हो गया ये आपका एक फ्रैक्शन हो गया जो पावर है आने एक्सपोनेंट क्या हो गया ना फ्रैक्शन हो गया फ्रैक्शन हम लोग किसको कहते हैं जो पी अपॉन क्यू के रूप में रहता है जैसे वन अपॉन टू हो गया टू अपॉन थ्री होगी ये सब के सब क्या हमारे फ्रैक्शन कहलाते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे जो डिग्री है वो हमारा एक फ्रैक्शन है इसलिए ये हमारा एक पॉलीनोमियल नहीं हो सकता है चूँकि यहाँ पर स्पष्ट कहता है कि ये इंटीजर होना चाहिए और इंटीजर कैसा तो नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए तो पॉजिटिव इंटीजर में आपके कौन कौन से आते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को ही हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे और ये हमारा स्टार्ट होगा जीरो से जीरो वन टू थ्री फोर फाइव और इस तरह से आगे चलते चलिए ये सब के सब क्या हो गए हमारे नॉन नेगेटिव हो होगी तो अगर पावर हमारा जीरो है किसी भी वेरिएबल का तो भी हमारा एक पॉलिनोमियल होगा जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है टू एक्स टू पावर जीरो तो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है कैसे इसको हम लिख सकते हैं टू इन टू वन आपको पता है किसी का भी पावर ज़ीरो होता है उसका वैल्यू वन होता है तो यहाँ पे एक्स का पावर जीरो उसका वैल्यू वन हुआ और ये हमारा क्या हो गया ना टू तो ये हमारा एक पोलिनोमियल है और इस तरह के जो पोलिनोमियल्स होते हैं जिसका डिग्री यानी कि पावर जीरो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं कॉन्सटेंट पोलिनोमियल कहते हैं तो आप ये समझ गए कि कॉन्सटेंट पोलिनोमियल्स क्या होते हैं जिसका डिग्री वन होता है अब कोई भी नंबर अगर यहाँ पर लिखा हुआ है ना वन टू थ्री ये सब के सब आपके पोलिनोमियल्स कहलाएंगे ओके कैसा पोलिनोमियल्स तो कॉन्स्टेंट ये समझ गए तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल समझ गए कि पोलिनोमियल्स हम लोग किसको कहते हैं बस केवल हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारा वेरिएबल्स हुआ करता है ये जो एक्स वाई है ना ये सब हमारे वेरिएबल्स हुआ करते हैं वेरिएबल्स और जो वेरिएबल्स हुआ करते हैं उसका जो पावर होगा डिग्री होगा वो हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए बस यही हमको ध्यान रखना है और हम बड़े आसानी से पहचान लेंगे कि कौन सा एक्सप्रेशन हमारा पोलिनोमियल कहलाएगा और कौन सा एक्सप्रेशन हमारा पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा चलिए अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की तो क्लासिफिकेशन में हमारा पहला आएगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स जो हमारा एक्सप्रेशन है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन उसमें कितने टर्म्स हैं उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे तो पहला हम बोलेंगे मोनोमियल मोनोमियल हम उस तरह के पॉलिनोमियल्स को बोलेंगे जिसमें केवल एक ही टर्म्स होगा आप एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ले सकते हैं जैसे मान लीजिए कि आप लिख देते हैं माइनस फाइव तो यहाँ पे केवल एक ही टर्म है तो ये आपका हो गया मोनोमियल इसी तरह से कुछ और भी लिख सकते हैं जैसे सेवन एक्स स्क्वायर आप लिख सकते हैं आप यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं सिक्स एक्स वाई यहाँ पर टू वेरिएबल्स होगी एक्स और वाई आपका दो वेरिएबल्स है ठीक है तो इस तरह से आप यहाँ पे कुछ भी लीजिए जिसमें से केवल एक ही टर्म्स हो बायनोमियल हम किसको बोलेंगे जिसमें हमारा टू टर्म्स हो उसको हम कहेंगे बायनोमियल मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर लिखते हैं फाइव एक्स प्लस सिक्स तो ये जो आप प्लस दिए हैं ना ये प्लस जो आप पुट किए हैं ये टर्म आपका अलग कर रहा है यहाँ पे फाइव एक्स और सिक्स आपके टू टर्म्स हो गए इस तरह से आप यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल लिख सकते हैं जैसे आप लिखना चाहें सेवन वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई तो ये देखिए यहाँ पे आपने माइनस पुट किया है ना ये माइनस जो साइन है ये टर्म को अलग कर रहा है यहाँ पे ये बता रहा है कि सेवन वाई स्क्वायर आपका एक टर्म है और थ्री वाई आपका दूसरा टर्म है तो यहाँ पे टू टर्म्स हैं इसलिए इसको हम बोलेंगे क्या बाइनोमियल बोलेंगी। समझ गए बिल्कुल सिंपल है उसी तरह से यहाँ हमारा ट्राइनोमियल हुआ करेगा जिसमें थ्री टर्म्स होंगे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ मैं नोट करता हूँ एक्स स्क्वायर और प्लस में टू एक्स दे देता हूँ और प्लस में वन दे रहा हूँ ये देखिए ये जो मैंने यहाँ पे प्लस पुट किया है ना ये टर्म को अलग कर रहा है ये पहला टर्म हो गया ये दूसरा टर्म हो गया तीसरा टर्म हो गया तो यहाँ पे टोटल थ्री टर्म्स हो गए यहाँ पे वेरिएबल हमारा एक्स है इसका पावर कितना है टू है पावर हमारा पॉजिटिव इंटीजर है इसलिए ये हमारा पॉलीनोमियल है और ये थ्री टर्म्स है तो ये हमारा ट्राइनोमियल कहलाएगा आप चाहें तो और भी एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं जैसे ये हम नोट करना चाहेंगे थ्री एक्स माइनस में फाइव एक्स वाई स्क्वायर और प्लस में हम यहाँ पे ले लेते हैं टेन एक्स वाई चलिए अब देखिए ये मैंने यहाँ पे माइनस लिया है और ये प्लस लिया है ये क्या कर रहा है ना टर्म को अलग कर रहा है तो ये हमारा टर्म्स अलग अलग हो गए हैं ये पहला ये दूसरा और ये तीसरा टर्म हमारे पास आ गया है यहाँ पे टू वेरिएबल्स हैं एक हमारा x है और दूसरा हमारा y है और यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं सभी का पावर क्या है ना पॉजिटिव है इसलिए हमारा क्या हो गया पोलिनोमियल हो गया थ्री टर्म्स का इसलिए ट्राइनोमियल कहेंगे इसको हम लोग अब ये देखिए जितने भी टर्म्स हमारे हैं सब के सब हमारे क्या है ना अनलाइक हैं अनलाइक कहने का मतलब क्या हुआ ना जो यहाँ पे वेरिएबल्स होगा उसका पावर अलग होगा या तो फिर वेरिएबल्स हमारा अलग होगा जैसे यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स हमारे पास x है यहाँ पे वेरिएबल x और y है तो दोनों अलग हो गए या तो फिर उसका जो पावर होगा वो डिफरेंट होगा जैसे यहाँ पे पावर टू है यहाँ पे पावर वन है तो ये क्या हो गया ना दोनों के दोनों हमारे अनलाइक टर्म्स हो गए अनलाइक टर्म्स मतलब जो वेरिएबल्स होगा उसका पावर डिफरेंट होगा अगर वेरिएबल्स का पावर सेम हो गया और वेरिएबल भी सेम हो गया तो हमारा वो क्या होगा लाइक टर्म कहलाते हैं ओके जैसे मैं यहाँ पे अगर लाइक टर्म्स का एग्जाम्पल लूँ तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ थ्री एक्स और मैं लिखता हूँ टू एक्स ठीक है तो आप देखिए यहाँ पे वेरिएबल भी सेम हो गया और पावर भी वन हो गया दोनों का तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए हमारे लाइक like टर्म्स हो गए है ना लाइक टर्म्स में आपको कोफिशियंट नहीं देखना है कोफिशियट आपका कुछ भी हो सकता है जैसे कोफिशियट यहाँ थ्री है यहाँ पे कोफिशियन टू है कोफिशियट आपका कुछ भी होगा उससे आपको नहीं देखना है ध्यान केवल आपको ये ध्यान देना है कि वेरिएबल आपका सेम हो और पावर भी सेम हो तभी वो हमारा लाइक टर्म कहलाता है और अनलाइक में जस्ट अपोजिट कर दीजिए वेरिएबल हमारा सेम अगर है तो पावर डिफरेंट हो या तो फिर पावर सेम है तो वेरिएबल डिफरेंट हो वो हमारा क्या हो जाएगा अनलाइक टर्म्स हो जाएंगे क्लियर क्लासिफिकेशन देख लिए ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स अब दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा यहाँ पे आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ़ डिग्री की बात करते हैं तो हम क्लासिफाई कर सकते हैं लेनियर पॉलिनोमियल ठीक है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इस तरह से और भी होंगे तो लीनियर हमारा कौन सा होगा जिसका डिग्री हमारा वन होगा एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पे ले लेता हूं टू एक्स प्लस फाइव यहाँ पे टू टर्म्स हैं लेकिन जो हमारा वेरिएबल है एक्स इसका डिग्री क्या है वन इसलिए हमारा लीनियर हो गया आप यहां पे कुछ और भी लिख सकते हैं जैसे आप लिखना चाहें टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस सेवन मान लीजिए ले लेते हैं तो यहाँ पे आपके वेरिएबल्स चेंज हो गए यहाँ पे एक्स और वाई टू वेरिएबल्स हैं दोनों का आपका पावर कितना है वन है तो ये आपका लीनियर हो गया ओके अभी आप दूसरा देख लीजिए आपका क्वाड्रेटिक जिसमें से आपका डिग्री कितना होगा टू होगा तो अभी देखिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ ये मैं लिख रहा हूँ थ्री वाई स्क्वायर प्लस फाइव वाई और माइनस में सेवन ले लिया यहाँ पे कितने टर्म्स हैं तो टोटल थ्री टर्म्स हैं आप देख लीजिए लेकिन यहाँ पे वेरिएबल आपका यहाँ पर भी दिख रहा है यहाँ पर भी दिख रहा है ठीक है यहाँ वेरिएबल का पावर टू है यहाँ वेरिएबल का पावर वन है तो डिग्री तो दो जगह हो गया इसका डिग्री आप देखिए है ना यहाँ पे वन है यहाँ पे टू है लेकिन आपको जो मैक्सिमम डिग्री है वो आपको काउंट करना है तो y का पावर आपका टू है तो आपका डिग्री क्या हो गया टू है ना ऐसा नहीं कि आप टू प्लस वन कर दीजिए ये आप गलत कर देंगे दोनों के पावर को आपको ऐड नहीं करना है बल्कि आपको देखना है मैक्सिमम पावर क्या है तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर टू है इसलिए डिग्री इसका टू होगा इसलिए हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा आप सेम आप यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे यहाँ पे पी टू दी पावर थ्री ले लिया मैंने प्लस में कर लेता हूँ नाइन पी स्क्वायर कर लेता हूँ प्लस में वन कर लेता हूँ फिर से देखिए यहाँ पे हमारे पास थ्री टर्म्स हो गए है ना पी हमारा यहाँ भी है यहाँ भी है लेकिन यहाँ पे पावर थ्री है यहाँ पे पावर टू है तो इसका डिग्री हमारा क्या होगा इसका डिग्री हमारा यहाँ पे थ्री होगा चूँकि मैक्सिमम पावर हमारा थ्री है इसलिए ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा राइट बिल्कुल ईजी है अब सेम हमारा यहाँ पे बाय क्वाड्रेटिक होगा जिसका डिग्री कितना होगा फोर होगा तो आप यहाँ, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे आपका जो वेरिएबल है वो x है x x x दिख रहा है यहाँ पे पावर फोर यहाँ पे पावर थ्री यहाँ पे पावर टू ऐसा नहीं कि पावर को आप ऐड कर दीजिए नहीं मैक्सिमम पावर कितना है फोर तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गया फोर इसलिए हमारा हो जाएगा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अब ऐसा भी हो सकता है कि जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री आपका डिग्री आपका जीरो हो वो भी हो सकता है तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा ना कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा उसकी बात हम कर चुके हैं पहले जैसे फिर भी मैं यहाँ पे बता दूँ मान लीजिए कि कोई नंबर मैं लिख देता हूँ माइनस फोर लिख देता हूँ ठीक है या फिर मैं थ्री लिख देता हूँ तो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है ये कैसे है तो अभी एक्सप्लानसन मैं आपको देता हूँ यहाँ देखिए थ्री हम क्या लिख सकते हैं थ्री हम लिख सकते हैं थ्री इन वन लिख सकते हैं आप देखिए थ्री वन का मतलब क्या हो गया वेरिएबल का पावर ज़ीरो यानी किसी का पावर जीरो उसका वैल्यू वन होता है तो वन के लिए एक्स टू तो दावर जीरो लिख सकते हैं तो आप देख लीजिए ये हमारा क्या हो गया थ्री एक्स पावर जीरो तो यहाँ पे डिग्री आपका क्या हो गया डिग्री आपका हो गया जीरो ठीक है तो इस तरह के जो पोलोनोमियल्स होते हैं आने कोई नंबर है उसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल्स राइट अब देखिए हमारा जो पोलिनोमियल है इसको हम कैसे डिनोट करेंगे तो जो पोलिनोमियल है उसका वेरिएबल क्या है ये हमको देखना पड़ेगा अब पोलिनोमियल विद वेरिएबल एक्स इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय आप यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं इसको पी एक्स है ना पी अंडर ब्रेकेट एक्स लिखेंगे तो वो हमारा एक पोलिनोमियल डिनोट करेगा या तो फिर आप यहाँ पे क्यू एक्स लिख सकते हैं या तो फिर आप यहाँ पे जी एक्स लिख सकते हैं फिर आप एफ एक्स लिख सकते हैं इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं जैसे ये हमारा एक पोलिनोमियल है यहाँ पे x है वेरिएबल तो इसको हम क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे लिख सकते हैं p ब्रैकेट के अंदर x डाल करके इक्वल टू ठीक है तो पी एक्स इक्वल टू दिस यानी पी एक्स हमारा क्या हो गया एक पॉलिनोमियल हो गया तो ये डिनोट करेंगे हम ठीक है अब यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें केवल एक ही वेरिएबल होगा टू वेरिएबल्स वाले को नहीं पढ़ना है जैसे यहाँ पे देखिए ये मैंने पी एक्स लिया पी एक्स में यहाँ पे एक्स है आपका तो एक ही वेरिएबल है यहाँ पे टू वेरिएबल्स नहीं है तो अगर टू वेरिएबल्स होगा तो उसको हम लोग आगे आने क्लास नाइन में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे हम लोग केवल सिंगल वेरिएबल वाले को पढ़ने वाले हैं टू वेरिएबल्स में क्या हो सकता है मैं आप लीजिए मान लीजिए कि टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फाइव आप नोट करते हैं तो यहाँ पे आपके टू वेरिएबल्स होगी एक एक्स और एक, एक वाई ठीक है तो अभी आपको टू वेरिएबल्स के जो पोलिनोमियल्स हैं उसको आपको नहीं पढ़ना है अभी आपको क्या पढ़ना है वैसे पोलोनोमियल जिसमें केवल एक ही वेरिएबल्स होते हैं ओके ये आप समझ गए